हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को कैसे ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप बंद कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे पास ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे करेंगे, तो सिंपली सेटिंग्स पे टैप करना है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं आएगा, तो इस पे जाना होगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। वाइब्रेशंस पे जाकर जो भी टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन है उसको ऑफ कर सकते हैं। बस आपको साउंड सेटिंग्स पे जाना होगा। इसके लिए साउंड सेटिंग्स पे जाकर यहाँ पर टच साउंड शो हो रहा है, तो टच साउंड को आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से साउंड शो होता है, ऑन ऑफ कर देंगे तो कोई भी साउंड शो नहीं होगा। और यहाँ से भी साउंड को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ नहीं हुआ है तो इसने शो हो रहा है, आपका वाइब्रेशन शो हो रहा है। तो वाइब्रेशंस, हमने वाइब्रेशंस को ऑफ कर दिया। वैसे अब इसमें टच साउंड को भी ऑफ करना चाहें तो कर पाएँ, कोई भी साउंड शो नहीं होगा। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से मतलब साउंड को ऑफ करके भी बंद कर पाएंगे और उसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।